तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष को परिभाषित करेंगे। यदि आप इसके नाम को ध्यान से देखें तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, अर्थात यह ऐसा दोष होगा जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री विक्षुब्ध हो जाएगी, अर्थात बिगड़ जाएगी। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वे बिंदु दोष जिनमें यौगिक की स्टोइकोमेट्री विक्षुब्ध हो जाती है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाते। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी, लेकिन इसको थोड़ा और हम क्लियर करते हैं एक उदाहरण को लेकर। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष प्रायः आयनिक ठोसों में मिलता है। तो यहाँ पर एक आयनिक ठोस का हम उदाहरण लेंगे। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड एक आयनिक ठोस है और आयनिक ठोसों में अवयवी कण आयन ही होते हैं। तो इस क्रिस्टल में आपको सोडियम क्लोराइड के आयन दिखाई दे रहे हैं जो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। यदि इस क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री को हम चेक करना चाहें तो इसमें हम सोडियम आयन की संख्या गिनते हैं, ये 10 है, और क्लोराइड आयन की संख्या भी 10 है। और इन दोनों का अनुपात यदि हम देखें तो हम लिखेंगे सोडियम आयन अनुपात क्लोराइड आयन बराबर 10:10। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का अनुपात इस क्रिस्टल में है 1:1। अभी आप इस क्रिस्टल को ध्यान से देखें तो जितने भी अवयवी कण अर्थात आयन हैं, इन सबकी एक नियमित व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। अर्थात इस क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था है, या आप कह सकते हैं इस क्रिस्टल में अभी कोई दोष नहीं है। तो जब क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आयनों का अनुपात है वो है 1:1 का। और साथ ही आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन क्लोराइड आयन के बराबर है, अर्थात यह क्रिस्टल विद्युत उदासीन भी है। अब हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए किसी कारणवश इसमें से एक क्लोराइड आयन बाहर चला जाए, तो एक क्लोराइड आयन के बाहर जाने से यहाँ पर एक रिक्तिका उत्पन्न होगी। और आप देख रहे हैं कि क्लोराइड आयन के बाहर जाने के बाद अब यहाँ पे अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था बिगड़ गई है, अर्थात यहाँ पर क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो चुका है। दोष उत्पन्न होने के पहले आपने देखा कि स्टोइकोमेट्रिक अनुपात जो था सोडियम और क्लोराइड आयन का वो 1:1 था। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक अनुपात क्या है। तो हम गिनते हैं यहाँ पे सोडियम आयन 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि पहले भी 10 थे और इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन क्लोराइड आयन अब 9 हो गए हैं क्योंकि पहले 10 थे जिसमें से एक अलग हो गया है, तो अब 9 हो गए हैं। और यदि हम सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का अनुपात निकालेंगे तो हमको मिलेगा 10:9। तो आप देखिए पहले अनुपात था 1:1 का और दोष उत्पन्न होने के बाद अनुपात हो गया 10:9 का, अर्थात इस क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री विक्षुब्ध हो गई है, अर्थात बिगड़ गई है। और इसके साथ साथ यदि आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे धनायनों की संख्या ज्यादा है, धनावेश ज्यादा है और ऋणावेश कम हो चुका है क्योंकि एक ऋणायन यहाँ से बाहर हुआ है, अर्थात यह क्रिस्टल इस समय धनावेशित है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी किसी आयनिक ठोस में दोष उत्पन्न होगा तो दोष उत्पन्न होने के बाद भी आयनिक ठोस उदासीन ही रहते हैं। तो यदि यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पे तो क्रिस्टल धनावेशित हो गया है, तो ये खास बात है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष की कि जब यहाँ पे क्रिस्टल में धनावेश बढ़ जाएगा तो धनावेश को संतुलित करने के लिए क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो रिक्तिका उत्पन्न हुई थी क्लोराइड आयन के बाहर जाने से, इस रिक्तिका पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और जिससे फिर से यह क्रिस्टल विद्युत उदासीन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने से इसके गुण में कई परिवर्तन आते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने समझा कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष क्या होता है, कैसे ये उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष के प्रकार की, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष।
इन दोनों प्रकारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम यहीं रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे धातु आधिक के दोष को। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो